व्यूअर्स, कल के दिन डॉक्टर पूजा खेड़कर का जो आईएएस प्रोबेशनरी है और पुणे में इस कलेक्टर ऑफिस में एज अ असिस्टेंट कलेक्टर तैनात थी अपनी फर्स्ट पोस्टिंग में आफ्टर क्लियरिंग आईएएस 2023, उनका कल वाशिम ट्रांसफर हो गया। और ये जो ट्रांसफर है और इसके पहले की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो विवादित रही और नेशनली डॉक्टर पूजा खेड़कर का नाम आया, इनका ट्रांसफर कैसे हुआ और इसको लेकर यहाँ के जो जिला कलेक्टर है पुणे जिले के डॉक्टर सुहास दिवसे, इन्होंने पिछले एक महीने में कुछ ऐसी जो घटनाएं हुई हैं जिसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी यानी अपर मुख्य सचिव सर्विस सेवा जो है उन्हें एक रिपोर्ट भेजी है और उस रिपोर्ट के बेस पर यह ट्रांसफर हुआ है। तो वो रिपोर्ट में क्या लिखा गया है अपने व्यूअर्स को डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग खड़े हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने 24 जून को, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, पुणेकर न्यूज़ के हाथ लगा है और इसमें जो लिखा है हम वो बताने की कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को, जिसके बाद ये ट्रांसफर हुआ। 24 जून को भेजे गए इस लेटर में डॉक्टर सुहास दिव से लिखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि श्रीमती पूजा खेड़कर जो है वो ज्वाइन होने के पहले ही निवासी जिलाधिकारी जो है यानी रेसिडेंट डेप्यूटी कलेक्टर जो इस समय ज्योति कदम है उनको व्हाट्सएप करके लिखती है या उनको मैसेज लिखती है कि मुझे एक स्वतंत्र बैठक व्यवस्था यानी एक सेपरेट कैबिन चाहिए, गाड़ी चाहिए, रहने के लिए निवास स्थान चाहिए और सिपाही मराठी में कहते हैं प्यून को, तो ये मुझे चार चीज़ें चाहिए। जिसको लेकर कलेक्टर ऑफिस जब वे ज्वाइन करती हैं तो उन्हें निश्चिंत करता है कि बाकी चीज़ें तो संभव नहीं है क्योंकि आप अभी आईएएस प्रोबेशनरी हैं, लेकिन निवास स्थान जो है, रहने की जो सुविधा है वो आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। आगे जब मैडम काम करती है तो काम करने के समय वापस एक बार अधिकारियों से कहती है कि भाई मुझे ऑफिस चाहिए, मुझे कैबिन चाहिए, जिसमें कलेक्टर ऑफिस डॉक्टर सुहास दिवसे की जो टीम है वो उनसे कहती है कि निवासी उपजिलाधिकारी यानी रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर का जो ऑफिस है, जो इस समय एक लेडी डिप्टी कलेक्टर है यहाँ पर, उनका जो ऑफिस है उसका एंटी चैम्बर आप अपने लिए यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मैडम कहती है कि नहीं, वे वहाँ उनको ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि वे ऑलरेडी एक उपजिलाधिकारी का ऑफिस है और उन्हें एक ऐसी सुविधा चाहिए, एक ऐसा कैबिन चाहिए जहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम भी हो। अब इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ के मैडम जो है वो अपने पिताजी के साथ यानी असिस्टेंट कलेक्टर आईएएस इस लेटर के हिसाब से अपने पिता के साथ 12 जून को इस बिल्डिंग में आती हैं और उनके पिताजी और वो दोनों मिलके इस पूरे बिल्डिंग को छानते हैं कि यहाँ पर मैडम के बैठने के लिए सुविधा कहाँ हो सकती है। तब जाके उनको पता चलता है कि चौथे फ्लोर पे खनिकर्म विभाग यानी माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके बगल में एक वीआईपी सभागृह है यानी कि वीआईपी कॉन्फ्रेंस हॉल है। मैडम को वो पसंद आ जाता है और मैडम कहती है कि भाई हम यहीं बैठेंगे। तो मैडम के पिताजी और मैडम वे बाकी जो अधिकारी है पीडब्ल्यूडी वाले जो हॉल का यहाँ पर जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उसका काम करते हैं उनको एक सूचना दी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ पे फिटिंग्स लाइटिंग्स जो होनी चाहिए वो पूरा लगा दीजिए। लेकिन वो डिपार्टमेंट में ये सब जो है ये पुराने मॉडल्स के हैं और जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो नए मॉडल का होगा, तो आज के हिसाब के जो मॉडल के हैं इस लेटर के हिसाब से वो उनको पसंद नहीं आते, वो कहते हैं कि नहीं वो अलग अलग दिखेंगे, वो ठीक नहीं है, मुझे उसी मॉडल के चाहिए, वो नहीं मिलता है, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ती है कि नहीं अब हम वहाँ नहीं बैठेंगे। फिर उन्हें ध्यान आता है कि भाई मैं तो असिस्टेंट कलेक्टर हूँ तो कलेक्टर साहब 5th फ्लोर पर बैठते हैं, एडिशनल कलेक्टर 5th फ्लोर पर बैठते हैं, तो मेरा ऑफिस भी 5वें फ्लोर पर होना चाहिए। और इस लेटर के हिसाब से वे एडिशनल कलेक्टर जो हैं उनसे अनुरोध करती है कि साहब आपका जो एंटी चैम्बर है अगर मुझे वहाँ बैठने के लिए अनुमति दी जाए तो अच्छा होगा। एडिशनल कलेक्टर इस चीज़ को स्वीकृत कर देते हैं और वे उन्हें टेम्प्ररी तौर पे वहाँ बैठने के लिए हाँ कहते हैं। मीनवाइल कुछ दिन के लिए एडिशनल कलेक्टर मुंबई में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं कुछ ऑफिशियल काम से, उस समय मैडम यहाँ पर टीम से कहती है कि भाई यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है जैसे कुर्सियाँ टेबल सोफ़ा ये सबको हटा दिया जाए, अब ये मेरा कैबिन है और यहाँ पर लेटर हेड विजिटिंग कार्ड टेबल टेबल के ऊपर कांच पेपर वेट राष्ट्रध्वज नेम प्लेट कंप्यूटर राजमुद्रा इंटरकॉम फोन ये सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाए और जो ऑफिसर से वो शिफ्ट कर देते हैं। आईएएस का हुक्म है जो मिडिल लेवल के जो ऑफिसर से या जो निचले स्तर पे ऑफिसर से वो आईएएस को कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन इस बीच दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि मैडम के डैडी 12 तारीख को मैडम के साथ आते हैं
और वो एक तहसीलदार जो जनरल अफेयर्स देखते हैं, जो यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट का काम देखते हैं, वे उनसे कहते हैं कि जानते हो तुम अपनी पूरी नौकरी भी कर लो ना, तो तुम अपने पूरे नौकरी के काल में चाहकर भी तुम अपर जिलाधिकारी यानी तुम एडिशनल कलेक्टर भी नहीं बन सकते हो। तो ये ध्यान रखो कि हमने जो कहा है वो सारी सुविधाएं, वो सारी बैठक का जो अरेंजमेंट है वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही तुम यहां से जाओगे। दूसरी बार वो वापस आते हैं 13 जून को, और 13 जून को वापस वे बाकी लोगों से कहते हैं कि मैडम का जो रहने का, मैडम का जो ऑफिस है, वो अरेंजमेंट जो है वो जैसा कहा गया था उस हिसाब से होना चाहिए। व्यूअर्स, मुद्दे की बात यह है कि जब सुहास दिवसे को पता चलता है, यानी कलेक्टर को पता चलता है कि एडिशनल कलेक्टर का जो कैबिन है वो मैडम ने एंटी चैम्बर ले लिया है, और उनके पास जब इस चीज की कंप्लेंट आती है तो वो ये डिसीजन लेते हैं कि एडिशनल कलेक्टर का एंटी चैम्बर जैसे पहले था वैसा पूर्ववत कर दिया जाए। और इस पर आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर मैडम जो है वो कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखती है, एक कम्युनिकेशन करती है कि अगर मुझे वहां से, अगर मैं वहां से जाती हूं तो मेरा बड़ा अपमान होगा, ये मुझे ठीक नहीं लगेगा, और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इसे पूर्ववत ही रखा जाए। और ये विवाद ऐसा इस तरीके से चलते रहता है, लेकिन कलेक्टर के कहने पे एंटी चैम्बर को पूर्ववत कर दिया जाता है। और आखिर में कलेक्टर जो है वो इस पत्र में एडिशनल सेक्रेटरी से कहते हैं कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनका उन्हें ऐसा लगता है कि आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर जो पूजा खेड़कर है, उनको उन्होंने समझाने की कोशिश की, काउंसिल करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि एक आईएएस के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर आपके अधिकार से ज़्यादा आपकी ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, आपका कर्तव्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो राइट्स है या अधिकार है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फोकस अपने ड्यूटीज पर कीजिए। उसके आगे जाके वो लिखते हैं अपने लेटर में कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अपने ड्यूटीज के लिए, अपने अधिकार के लिए आप जितना अच्छा प्रशिक्षण करेंगी, आप जितना अच्छा ट्रेनिंग करेगी, जितना अच्छा काम करेगी, उससे आपकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी, और आप जो भी चाहती है आयुष्य में वो सारी, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको सब मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और आखिर में ये पूरा विवादित मसला रह जाता है। इस पर परसों के दिन महाराष्ट्र सरकार एक डिसीजन लेती है, वो ये डिसीजन है कि पूजा खेड़कर जो आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी है उन्हें पुणे से वाशिम भेज दिया जाता है। लेकिन मुद्दे की बात इसमें यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस केस में पूरी इंक्वायरी करेगी, क्योंकि सुहास दिवसे ने इस केस में आईएएस ऑफिसर के पिताजी का भी नाम लिया है, उस पर इंक्वायरी की मांग की है, और उनके बिहेवियर को अनकॉल्ड बिहेवियर माना है इस लेटर के हिसाब से। तो क्या महाराष्ट्र सरकार इस पर काम करेगी? क्या आईएएस ऑफिसर, खासकर के प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर का ऐसा बिहेवियर उचित है? क्या यहाँ पे बाकी जो लोग मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं उनका जो अपमान हुआ, या उस तहसीलदार का जो अपमान हुआ जिसे कलेक्टर, प्रोबेशनरी कलेक्टर के पिताजी ने हड़काया था, क्या इस पर महाराष्ट्र सरकार जागेगी और कोई एक्शन लेगी आने वाले दिनों में? देखते हैं। पुणे का न्यूज़ के लिए टीकम शेखावत एंड सुमित सिंह।